यूपी के हरदोई में शिक्षा को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों की पोल खुल गई। यहाँ जिस हालात में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ऐसे बढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? सर, ऐसे नहीं माननी होगी। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के प्रदेशों में आदर्श आ रहे हैं जनपद हरदोई के विकास खंड पिहानी ग्राम अड़वा पारा में, जिसमें विद्यालय की हालात देखे तो ऐसे महसूस होता नजर आया कि बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और खुलेआम प्रशासन योगी आदित्यनाथ की धज्जी शिक्षकों की धज्जिया उड़ा रहे सर लगा हुआ है। प्रमोद, किस गांव का स्कूल है और यहां क्यों नहीं पहुंचा अभी तक विकास? सर, ऐसे में साफ तौर सारे चौरा की यहाँ के प्रधान और की दबंगे के कारण यहाँ पर ग्रामीणों का यही कहना है कि यहाँ पर सर कोई विकास का नाम ही नहीं ले रहे। कई बार की शिकायत भी की गई लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र के ब्लॉक अध्यक्ष सत्यवीर सिंह रिंकू ने जब वहाँ के ग्रामीण से पूछा सर तो ये मामला प्रकाश में आया। प्रमोद, स्कूल के ऐसे हालातों को लेकर जिम्मेदार कौन है? इससे सर ये साफ तौर जाहिर हो रहा है कि बच्चों की शिक्षा से सर खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों की जाने जाने में बहुत ही दिक्कतें हो रही है। ऐसे में सर प्रधान शिक्षा विभाग पूरी तरह से मौन बैठा हुआ है सर। प्रमोद, सरकार की ओर से विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन इस गांव में आकर सभी दावे धरे के धरे रह गए, इस पर क्या कहेंगे आप? इससे सर साफ तौर पहला है कि माननीय योगी आदित्यनाथ तो स्वच्छ भारत के सपने को साकार दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर हरदोई के तिहानी विकास खंड के ग्राम अरुआ पारा में साफ जाहिर करता की भ्रष्टाचार साफ तौर को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं यहाँ प्रधान अधिकारी। प्रमोद, अगर आपकी लोगों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उन्होंने साफ तौर पर जाहिर को कहना है कि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। कई बार की शिकायत की है लेकिन आज तो यहाँ ना ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी कोई या जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रमोद, गांव के ऐसे हालात को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत भी की होगी लेकिन फिर भी समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर इसी पर तो सवाल उठ रहे, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कोई तो कहता है प्रशासन पूर्ण रूप से विफल होता नजर आ रही होगी, सरकार पर तरह तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी लेकिन उसकी पूर्ण पियाने के ब्लॉक पियाने के अरुआ पारा खुलते नजर आ रही है। प्रमोद, स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, ऐसे में तो नौनिहालों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, यहाँ पर विद्यालय में बच्चों को जाने का रास्ता नहीं है जिससे साफ तौर पर जाहिर करता है कि बच्चों की कैसे शिक्षा। एक तरफ योगी सरकार बच्चों को स्वास्थ्य लेकर शिक्षा तक पूरा पूरा कह लगती है लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से शिक्षा बदहाल होती नजर आ रही है। शुक्रिया प्रमोद आपका हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए।